मैं विष्णुगुप्त चंद्रपुत्र चाणक्य आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हो। मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, ये चाणक्य प्रतिज्ञा है। याद रखना इसे। तिगर्धा आचार्य क्या सोच रहे हैं? इससे पहले कि राजा के सैनिक ढूंढते हुए यहां आए और हमें पकड़ के कारागार में डाल दें, हमें तुरंत किसी निरापद जगह की ओर चल देना चाहिए। पर हम यहां से भागें क्यों? कोई अपराध किया है हमने? आचार्य धनानंद के कोप से बचने के लिए कोई उपाय तो करना होगा ना। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है आचार्य। डरो मत भद्रभट्ट, यह खेल है नियति का। देखो इसे, समझो इसे। आपने धनानंद के विरुद्ध जो प्रतिज्ञा ली है उसके बाद तो अब नियति भी हमें बचा नहीं पाएगी आचार्य। हम तुरंत यहां से भाग चलते हैं, क्योंकि अगर धनानंद के सैनिकों ने यहां आकर हमें पकड़ लिया तो वे निश्चित ही हमें मार डालेंगे। चुनौती देने के बाद भागना कायरता होती है भद्रभट्ट। अपनी चुनौती को पूरा करने के लिए आप सैनिक कहां से लाएंगे आचार्य? धनानंद को उसके सिंहासन से हटाना, नया राजा ढूंढना, ये सब क्या कम मुश्किल काम है? और फिर आपने तो अखंड भारत और सिकंदर को हराने जैसी प्रतिज्ञा भी पाल ली है आचार्य, क्या ये सब संभव है? नियति का लिखा अटल नहीं सकता। वर्षों बाद मैं जो लौटा हूं अपनी मातृभूमि में, जाने क्यों लगता है मुझे खेल ये सारा? जैसे तैसा था अपमान मेरा या शपथ मेरी, ये सब खेल है नियति के। जब कभी कहीं किसी राजा का अत्याचार बढ़ता है तब समय भी बदलाव का फिर चक्र घड़ता है, और अब यदि उसने बदलाव के लिए मुझे सेतु चुना है तो देखना, अब नंद का ये वंश मिट जाएगा और नया राजा फिर यहीं दिख जाएगा। बिखरा भारत जिसके बल से एकजुट हो जाएगा। पर कहां है वो? कहां है वो? कहां है वो? Ah!
चंद्रगुप्त कहाँ होगा? वो भला कहाँ होगा, वहाँ होगा। फिर से जीत गया ये? ये हमेशा जीत जाता है। यार तू हमेशा जीत कैसे जाता है रे चंद्रगुप्त? अरे इसमें क्या है, मैं बस इतना सोच लेता हूँ कि लक्ष्य पर मेरे माँ के हाथ की बनी खीर का कटोरा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और उसे लेने के लिए मैं दौड़ पड़ता हूँ और जीत जाता हूँ। माँ के हाथ की खीर की कल्पना से जीत? मूर्ख बना रहे हमें। अरे नहीं नहीं सच, मेरे माँ के हाथ की बनी खीर होती इतनी अच्छी है कि बस। ये पता है मेरे मामा क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि तेरी माँ खीर बनाते समय उसमें गुड़ के साथ अपना प्यार भी डाल देती है और इसी वजह से खीर और भी मीठी हो जाती है। चंद्रगुप्त। हाँ? तू जल्दी जा, तेरी माँ तुझे कब से बुला रही है। माँ कर रहे थे? हाँ? छुप रहे थे? मारू मारू तुम्हें? क्या कर रहे हो? मेरा पहला दोस्त है तू ही माँ, तुझे हो पता के ना हो पता, मैं तेरी आँखों का तारा हूँ, तुझे हो पता भगवान हो नहीं सकता हर समय यहाँ, इसलिए उसने बनाया तुझको माँ। भगवान हो नहीं सकता हर समय यहाँ, इसलिए उसने बनाया तुझको माँ। मुरा जल्दी बाहर आ। क्या हुआ? मुरा राजा के सैनिक तेरे भाई को कर न चुकाने के जुर्म में पकड़ कर ले गए हैं। क्या? हाँ। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भैया भैया माँ, भैया माँ रुक जा, माँ माँ मैं कुछ करता हूँ ना। अरे तू क्या करेगा? मैं मामू को लाऊंगा। माँ माँ नहीं, मैं अभी जाता हूँ। नहीं चंदू, चंदू रुक जा, चंदू मत जा वहाँ। ले लो ले लो, ये गुलाम तुम्हारे शिकार में बड़े काम आएंगे। मजबूत हैं, हट्टे कट्टे हैं, तेज भागते हैं, और क्या चाहिए। ले लो इनमें से कोई भी ले लो। मामा मामा मामा
से पहले 15 पण ला के देगा तभी छोड़ूंगा इसे। मामा, मामा, मामा! मैं तेरी मदद कर सकता हूं छोकरी। आप मुझे 15 पण दे सकते हैं? हाँ, दे सकता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। अपने मामा को छुड़ाने के लिए मैं कोई भी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। अपनी ये बात याद रखना छोकरे, वरना मैंने कहा ना आपसे मुझे अपने मामा को छुड़ाना है, बस फिर चाहे कोई भी मूल्य छुड़ाना पड़े। अच्छा तो चल, ठीक है, चल मेरे साथ। मुरा भैया, भैया, भैया आप आ गए, छोड़ दिया उन्नास पिटो ने आपको। भैया आप अंदर चलिए, कहीं वो फिर से आ गई तो। चंदू कहाँ है? चंदू, माँ, चंदू, चंदू, चंदू ये कौन है? माँ, इन्होंने सिपाहियों को 15 पण देकर मामा को छुड़ाया। माँ, ये मेरे मालिक हैं। मालिक मतलब? माँ, मैंने 15 पणों के लिए इनको खुद को बेच दिया। क्या? बेच दिया? माँ, 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 ये क्या कर रही हो? चुप कर, तू चुप कर, छोड़ दो मेरे बच्चे को, बच्चा है वो, छोड़ दो उसको, वो इतने कठोर मत बनो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। ये क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है, हाँ? जनाब, मैं ये बच्चा बच्चा कुछ नहीं जानता, समझे? मैंने तो सीधा साधा सौदा किया है, इसने 15 पण में खुद को बेचा है मुझे, और मैंने खरीदा है, बस। क्यों रे? बता इसे, झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं माँ, ये सच बोल रहे हैं। अरे चुप कर तू! तू जानता भी है खुद को बेचने का मतलब क्या होता है? जानता है तू? माँ, मुझे 15 पण चाहिए थे जो इन्होंने मुझे दे दिए, और बदले में इन्होंने मुझे खरीद लिया, बस। अरे चंदू, 15 पण में बिक गया तू? गुलाम बन के अपने मामा को छुड़ाने के लिए? माँ, अब तुझे दिन रात गुलामी करनी पड़ेगी। तेरा खेलने को जी चाहेगा ना तो तू खेल नहीं पाएगा। रात को जब तुझे नींद नहीं आएगी तो मेरी लोरी नहीं, इसकी मार सुलाएगी तुझे। ये तूने क्या कर दिया रे चंदू? चंदू, तू मुझे कभी अब देख नहीं पाएगा, समझा तू? चंदू, तू मुझसे दूर चला जाएगा। क्या किया चंदू? बस, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक, अब तो चुपचाप चल यहां से, चल चल चल। रोना नहीं मामे, आओ चंदू, मामे ध्यान रखना, चंदू और रोना नहीं मामे, आओ चंदू, मामे ध्यान रखना, चंदू मामे।
रो मत, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा तेरा बेटा। जिसने अभी अभी अपने मामा को छुड़ाने के लिए खुद को बेच दिया हो, जो अभी अभी मेरे सामने गुलाम बनकर जा रहा है, बाबा उसका क्या भविष्य, वो कैसे सम्राट बनेगा? नियति के खेल इतने आसान नहीं जो हर कोई पढ़ ले। आज घर के बाहर पहला कदम रखा है तेरे बेटे ने, और मेरी बात याद रखना, एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा तेरा बेटा, एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा तेरा बेटा। मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा।